दुनिया भर की ताजा बरादी मुहर्रम अल हराम के सिलसिले में इंतजामिया के साथ भरपूर तावन करेगी। ये महीना अकूवत और भाईचारे का दर्ज देता है। वक्त का तकाजा है कि हम अपने तमाम तरह इख्तलाफात को भुलाकर इकट्ठे हो जाएं और अमन के लिए मिलकर काम करें। इन ख्यालात का इजहार ताजा बरादरी के रहनुमाओं सैयद जहीर अब्बास जैदी, हाजी मोहम्मद जाहिद, शेख मोहम्मद नदीम, सैयद असद शाह, शेख आलमगीर मस्तान, साहबजादा ख्वाजा मईउद्दीन चौधरी, फराह सुहेल, डॉक्टर खालिद यासीन, पीरजादा इकबाल हुसैन, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट प्रिंट मीडिया एसोसिएशन जिस्टर चन्योर, सैयद हासिम शाह काजमी, बशीर अहमद भट्ट, मालिक इरफान, तुफैल और दीगर शख्सियात ने लाइसेंस दौरान मरकजी जुलूस मुहर्रम चहलम सैयद जहीर अब्बास जैदी की तरफ से हैदरी मंजिल पर मुनक्कदा ताजर अमन कमेटी से खिताब के दौरान किया। इस मौका पर मुकर्ररीन का कहना था कि चन्योर शहर में हर साल मुहर्रम उल हराम के दौरान शिया सुन्नी इकट्ठे होते हैं। हमारे दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं, हम सब एक हैं और मुहर्रम उल हराम के मुकद्दस महीने को इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाएगा। जिला भर की ताजा बरादरी मुहर्रम उल हराम के दौरान इंतजामिया और आजादारानों और लाइसेंसदारान के साथ शाना बशाना खड़ी होगी। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हम सबको मिलकर जदोजहद करना होगी। आखिर में मरकजी लाइसेंस दौरान जुलूस मुहर्रम चहलम चन्योर सैयद जहीर अब्बास जैदी ने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हमारा खानदान 73 साल से आजादारी कर रहा है। कहा, बेहद मशकूर हूँ अपने जिला भर की तमाम ताजर बरादरी, सहाफियों और समाजी मेम्बरान अमन कमेटी का कि उन्होंने जब भी जरूरत पड़ी उनका साथ दिया। आखिर में साहबजादा ख्वाजा मईउद्दीन डिविजनल मेंबर अमन कमेटी ने मुल्की सालमियत के लिए खसूसी दुआ की। चन्योर से रिपोर्ट कर रहे थे नुमाइंदा ग्रेट न्यूज मलिक सदीक हैदर मुस्तफ़ा।